T20 वर्ल्ड कप को लेकर BCCI ने शुरू कर दी है मीटिंग। ये 3 खिलाड़ियों के नाम पर लग सकती है मुहर, कर सकते हैं टीम इंडिया में वापसी। दोस्तों, कौन है वो खिलाड़ी और क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस साल UAE में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को टीम इंडिया अपने नाम कर ले, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप को लेकर BCCI ने एक अहम मीटिंग बुलाई है। इस T20 वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी हो सकती है। IPL 2021 में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, बावजूद इसके उन्हें T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। वहीं भारतीय टीम के कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्हें T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया गया है, लेकिन उनका प्रदर्शन IPL के दौरान कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में BCCI आज हो रही मीटिंग में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा भी शामिल है। हालांकि इस मीटिंग का खास मुद्दा यही है कि IPL के दौरान जिन खिलाड़ियों ने खराब प्रदर्शन किया है, उन्हें टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। साथ ही वो खिलाड़ी जिन्होंने IPL में शानदार प्रदर्शन किया है और टीम में उनको नहीं शामिल किया गया है, उन्हें टीम में लेने पर भी चर्चा हो सकती है। इन खिलाड़ियों में सबसे पहला नाम जो सामने आया है वो युजवेंद्र चहल का आया है। युजवेंद्र चहल ने IPL 2021 के दूसरे फेज में शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में राहुल चहर को टीम इंडिया की T20 स्क्वाड से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। हालांकि IPL 2021 में शिखर धवन का बल्ला भी जमकर बोला है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अगर शिखर धवन को टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा तो उसके बदले किस खिलाड़ी को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उनकी जगह शानदार फॉर्म में चल रहे कोलकाता के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को टीम में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अगर तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो श्रेयस अय्यर का नाम भी सामने आया है। श्रेयस अय्यर को फिलहाल रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है, लेकिन BCCI अब उन्हें टीम इंडिया में शामिल करने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, अब BCCI किन खिलाड़ियों को मौका देगी और किसे करेगी टीम से बाहर, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।